नमस्कार, झारखंड न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह। क्या झारखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार लौटेगी या फिर रिपीट करेगी जेएमएम कांग्रेस की सरकार, ये बड़ा प्रश्न है। और इस बीच में मोदी जी की जितनी भी रैली झारखंड में हुई है उसमें तीन मुख्य मुद्दे पर बात हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की रैली में भी उनके तीन मुख्य मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन का विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि आने वाले समय में इसमें क्या स्टूडेंट्स को लाभ होगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, उसके पहले इस दो बड़े भाषण को सुनिए। आज हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया है और इस राज्य का 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में एक एक हजार रुपया भेजने का हम काम कर रहे हैं। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेरे बताओ जा रहा है, चौथा की सहाय कि नहीं। साथियों, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ये इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे होगा। लेकिन मोदी को आपके परिवार की चिंता है। आप ही मेरा परिवार है, आपके बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो मुझे इसकी ही चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरा परिवार है। इन्होंने 5 साल तक क्या किया? इन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए आपका सब कुछ लूटा। जेएमएम कांग्रेस ने आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू गिट्टी लूटा, कोयला लूटा, इन्होंने आपके बच्चों का पेपर लूटा, इन्होंने आपकी सरकारी नौकरी। तो अपने हर भाषण में बीजेपी की ओर से बोला जा रहा है कि अगर वो सत्ता में लौट जाती है, वो आती है, तो ऐसे में वो सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर देगी। पीजीटी, लैब, जेई सहित जेएसएससी और जेपीएससी की जो परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें 11th जेपीएससी भी शामिल है, उस पर सीबीआई जांच करेगी और नए रोजगार का सृजन करेगी। ये बीजेपी के हर चुनावी वादों में अब शामिल हो गया है और बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मुद्दा है ही और जो उनके मूल एजेंडे हैं वो भी सामने है ही। वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने यह दावा किया है कि वो मैया सम्मान योजना पर चुनाव लड़ रही है, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और झारखंडी अस्मिता को बचाने पर चुनाव लड़ रही है। सरना धर्म कोड को केंद्र बिंदु में रखा गया है, उसी प्रकार से उसने 1932 को फिर से एक बार आगे किया है। और अब सवाल ये उठता है कि आजसू और जो जेएलकेएम है, यानी कि सुदेश महतो और जयराम महतो में महतो वोट बैंक का सबसे बड़ा नेता कौन होगा, और ये तय करेगा दोनों चरण के बाद में। ये तय हो जाएगा कि महतो का सबसे बड़ा नेता इस समय झारखंड में कौन है और जो भी होगा वो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका की भागीदारी करेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। और अब स्टूडेंट जो चाहते थे कि उनको सीधे तौर पर जेएसएससी सीजीएल से मतलब था, वहीं दूसरी ओर अलग अलग तरह से लोग एक दूसरी पार्टी के विरोध में और पक्ष में अपना अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। आज इसी बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पूरे इंडिया में गाइडलाइन की शुरुआत हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा असर दिल्ली और कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पड़ेगा। जो लोग यूपीएससी से लेकर इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग में सिर्फ इंटरव्यू के दौरान जो तैयारी करवाते थे और उसके बाद उसकी फोटो को छापते थे, बड़े बड़े जो दिल्ली के कोचिंग हैं उस पर सबसे ज्यादा इसका असर दिखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अब पूरी चीज की पारदर्शिता रखनी होगी, यानी कि हर विज्ञापन में क्लियर कट बताना पड़ेगा। ये अब गाइडलाइन आ गया है
और गाइडलाइन आने के बाद में आप इसकी अगर अवहेलना करते हैं तो पहली बार में 1 लाख रुपया और उसके बाद 50 लाख रुपये तक का जुर्माना राशि लगाया जाएगा। इससे झारखंड में भी बड़ा बदलाव होगा, गारंटी जैसे शब्द को हटाना पड़ेगा और जो लोग 100% प्लेसमेंट का दावा कर रहे हैं उनको भी हटाना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी लोग विज्ञापन में भ्रामक चीजों को डाल रहे हैं उनको भी हटाना पड़ जाएगा, यानी कि आज से जो विज्ञापन होगा उस पर पूरी तरह से लगाम रहेगी। और इसकी कंप्लेन अगर आप सीधा केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय को करते हैं, कोई भी एक स्क्रीनशॉट आज के डेट में आप ले ले या आज के बाद डेट में ले ले, पुराने स्क्रीनशॉट नहीं चलेंगे, आज के बाद जो विज्ञापन हो रहा है अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी परिवर्तन हो रही है, कोई चीज बोला जा रहा भ्रामक है, तो इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा और इसका असर आपको देखने को मिलेगा भी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छी ही बात होगी, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा।